नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों आज मैं इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं और ये बेसिकली ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है। मैं देखता हूं कि नेट जेआरएफ में और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप जीआईसी देखिएगा, पीजीटी देखिएगा, उसमें ग्रोथ मॉडल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं देखता हूं कि कई बार लोग इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। तो आज बेसिकली मैं नेट जेआरएफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट आपको करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। तो पूरे मनोयोग से, पूरे तन्मयता के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और बेहतर मटेरियल और वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। चलिए क्वेश्चन नंबर एक, हैरेड ग्रोथ मॉडल इज बेसिकली, हैरेड का जो ग्रोथ मॉडल है वास्तव में बेसिकली वो है एक स्टेबल ग्रोथ मॉडल है, अनस्टेबल ग्रोथ मॉडल है, बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल, लार्जली स्टेबल। देखिए अब यहां पूछा गया कि जो हैरेड का ग्रोथ मॉडल है क्या वो स्टेबल है, अस्थाई ग्रोथ मॉडल है, इसका हिंदी आप देखेंगे तो अस्थाई पूछा जाता है। दूसरा कह रहा है अनस्टेबल अस्थाई ग्रोथ मॉडल है, अस्थाई ग्रोथ मॉडल है। तीसरा कहा जा रहा है बोथ स्टेबल अनस्टेबल, क्या ये अस्थाई और अस्थाई दोनों है या फिर लार्जली स्टेबल। अब देखिए जब हम हैरेड की ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं और आप देखते हैं कि कभी भी जी ए और जी डब्ल्यू की अगर हम बात कर लें, एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, और कभी भी अगर जी ए बराबर जी डब्ल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जी ए जी डब्ल्यू से अगर विचलित होता है, डाइवर्ट होता है, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, यंत्र नहीं है जो कि मॉडल को फिर से रीस्टैब्लिश कर सके, वो हमेशा ग्रोथ पार्ट से दूर ही होता जाएगा। इसी तरह अगर जी ए जी डब्ल्यू से छोटा हो तो भी कोई ऐसी ऑटोमेटिक इनके पास प्रक्रिया नहीं है जो ग्रोथ को मेंटेन करे। इसका मतलब ये जो ग्रोथ मॉडल है बेसिकली, अगर आप इसको देखें डायग्राम को, तो एक अनस्टेबल इसको हम कहते हैं। अनस्टेबल का मतलब कि एक बार अगर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस बाहर हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, तो कोई ऐसा यंत्र नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है इनके मॉडल में जो ग्रोथ को पूरा रीस्टेबल कर दे, इसलिए इसमें नाइफ एज की प्रॉब्लम भी आती है। तो दोस्तों जो हैरेड ग्रोथ मॉडल है ना, बेसिकली ये अनस्टेबल एक अस्थायी ग्रोथ मॉडल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हैरेड के ग्रोथ मॉडल के ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं है, यंत्र नहीं है जो स्टेबिलिटी को बनाए रखे, इसलिए हैरेड का जो ग्रोथ मॉडल है ना ये बेसिकली एक अनस्टेबल ग्रोथ मॉडल है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सोलो ग्रोथ मॉडल इज बेसिकली, देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है क्या वो स्टेबल ग्रोथ मॉडल है, अनस्टेबल ग्रोथ मॉडल है, बोथ स्टेबल अनस्टेबल या लार्जली अनस्टेबल। देखिए जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है दोस्तों वो बेसिकली एक स्टेबल ग्रोथ मॉडल है। स्टेबल ग्रोथ मॉडल का मतलब ये है कि अगर संस्थिति का जो पाथ है, अगर आप देखेंगे जो संस्थिति का पाथ है, अगर ये डाइवर्ट होगा तो इसमें अपने आप ही कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो इसके ग्रोथ को पुनः से रीस्टेब्लिट करेंगे। अगर यहां पे आप देखेंगे कि अगर ये एन आर है और ये एस एफ आर वन है, जो कि मैंने पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप देखेंगे जो बचतों का एब्जॉर्प्शन है वो जो है सेविंग से ज्यादा हो गई या जो बचत है वो सेविंग से कम हो गया, तो मॉडल में कुछ इस तरह के ऑटोमेटिक प्राचाल ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे कि जो इक्विलिब्रियम के पाथ को लेके आए और स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन करें। इसका मतलब जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है उसमें स्टेडी स्टेट ग्रोथ मेंटेन होता है और एक बार अगर मॉडल में डाइवर्जन होगा तो पुनः ग्रोथ को रीस्टेब्लिश करने वाले फोर्स है। इसीलिए दोस्तों जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है वो एक स्टेबल एक अस्थायी ग्रोथ मॉडल है। तो देखिएगा हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है हैरेड और सोलो में, तो आपको ये याद रखना है कि जो हैरेड का ग्रोथ मॉडल है बेसिकली अनस्टेबल ग्रोथ मॉडल है, एक बार अगर इक्विलिब्रियम डाइवर्ट हुआ तो बाहर ही चलता चला जाएगा। दूसरी तरफ जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है बेसिकली वो एक स्टेबल ग्रोथ मॉडल है और एक बार इक्विलिब्रियम अपने पद से डाइवर्ट होगा तो कुछ ऐसे उसमें मैकेनिज्म है जो फिर से उसके ग्रोथ को मेंटेन करेंगे और फिर इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी को लेके आएंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, इन सोलो ग्रोथ मॉडल, सोलो के ग्रोथ मॉडल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो डिक्लाइन करेगी, गिरेगी। दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल कांस्टेंट, इसमें एक में डिक्लाइन कहा गया है, दूसरा कहा गया है कि ये कांस्टेंट बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। तीसरा कहा गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो कहा गया है इंक्रीज करेगी, और ये कहा गया नन ऑफ दिस। देखिए सोलो के मॉडल में जो प्रॉब्लम है,
जो एक्चुअली जो ग्रोथ को रोकता है वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का डिक्लाइन करना। सोलो के मॉडल में आप देखेंगे कि हमेशा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो जो यहाँ इनका प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर आप कैपिटल को बढ़ाओगे तो इसके मॉडल में यही है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन करेगी, और मार्जिनल कैपिटल प्रोडक्टिविटी का डिक्लाइन करना ही इसके ग्रोथ को नीचे लेके आएगा। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि जो न्यू ग्रोथ मॉडल आया था उसमें यहाँ पे कैपिटल में फिजिकल कैपिटल के साथ ह्यूमन कैपिटल को ऐड किया गया था, जिससे ये कहा गया था कि जो मॉडल है न्यू ग्रोथ मॉडल है उसमें जो है मार्जिनल कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन नहीं करेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप समझिए कि जो सोलो के ग्रोथ मॉडल में जो बिलेन है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्रोथ मॉडल को, जो कि वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का डिक्लाइन करना, और विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न नेट जीआरएफ में मैं देखता हूँ कईयों बार पूछा गया है कि सोलो के मॉडल में क्या दिक्कतें आती है। सोलो के मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का डिक्लाइन करना, और यही ग्रोथ को बॉटलनेक लेके आता है और ग्रोथ को कमजोर बनाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल कॉन्स्टेंट, आप देखिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की कॉन्स्टेंट की बात आएगी, आप देखेंगे जब न्यू ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, आप इंडोजीनस ग्रोथ आप मॉडल पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे जो न्यू ग्रोथ मॉडल है उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है उसमें माना गया है कि वो डिक्लाइन नहीं करेगा। इसका रीजन है, ये न्यू ग्रोथ मॉडल कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, अगर यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन ले लें, हम सेविंग ले लें और ये ले लें तीनों चीजें, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है MPK जो है वो डिक्लाइन नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट बना होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जो ग्रोथ न्यू ग्रोथ मॉडल है उसमें बेसिकली माना गया है कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें एक तो फिजिकल कैपिटल होती ही होती है, फिजिकल कैपिटल के साथ साथ इसमें ह्यूमन कैपिटल भी इंक्लूड होता है, ह्यूमन कैपिटल भी। और जब फिजिकल कैपिटल के साथ ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड होगा तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन नहीं करेगी बल्कि वो स्थिर बनी रहेगी, और इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट बना रहता है, ये बिल्कुल सही होगा न्यू ग्रोथ मॉडल में। तो दोस्तों ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मैं ये उम्मीद कर सकता करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी, और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा नेट जीआरएफ का तो आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपको जरूर उसमें दिखाएंगे। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए और अपने क्षमताओं का पूरा यूज करिए। देखिए मनुष्य का यही सबसे बड़ी बात है कि जो भगवान ने उसको क्षमता दी है उस क्षमताओं को यूज करें। कई बार मैं देखता हूँ कि क्षमताएं अपार हैं लेकिन लोग उन क्षमताओं का यूज नहीं करते, बाद में जाके पछताना पड़ता है कि भगवान ने हमको अपार शक्ति दी थी, ऊर्जा थी, और उस शक्ति और ऊर्जा को हमने कभी भी यूज नहीं किया, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है अपने शक्ति का, क्षमता का पूरा प्रयोग करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।